अस्सलाम वालेकुम, आप सबको वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल हैप्पी गार्डनिंग पर, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जिस बारे में बात करूँगा आपसे, वो मेरी अपनी कुछ शॉपिंग की है मैंने नर्सरी से, लोकल नर्सरी से, स्प्रिंग सीज़न की जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी, और कुछ इंडोर पाम्स हैं उनकी भी मैंने शॉपिंग की है। तो उस हवाले से मैं आज आपसे बात करूँगा। जैसे कि अब स्प्रिंग सीज़न बहुत करीब आता जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट स्टार्ट हो भी चुका है, तो अब टाइम आ गया कि हम जो स्प्रिंग सीज़न की या अर्ली समर की फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको लगाएं। तो अभी जो मेरे पास मैंने कुछ सीडलिंग्स ख़रीदी हैं, कुछ प्लांट्स ख़रीदे हैं, वो ये आपके सामने मैंने रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले बात करूँगा मैं, ये कुछ गजानियाँ लिए हैं जो ड्वार्फ वाले होते हैं। एक तो वो देसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि ऑरेंज कलर की होती हैं, थोड़ी उनके फ्लावर्स जो हैं थोड़े टॉल जाते हैं, वो हैं। और ये कुछ गजानियास के साथ, ये आप देख सकते हैं गजानियास, पहले तो मैंने कुछ गजानियास ख़रीदे हैं, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ कलर्स में। ये मैंने चार प्लांट्स लिए हैं, लास्ट ईयर के थे मेरे पास ये जो होते हैं ड्वार्फ वाले, लेकिन वो गर्मी में मानसून में मुझसे उनकी केयर नहीं हो सकी और वो मर गए। ये बेसिकली जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे इनको एज अ एनुअल ट्रीट किया जाता है, जबकि हमारे एरिया में ये एज एन पेरेनियल होते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ी सी इनकी केयर करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल केयरलेस होकर इनको छोड़ दिया जाए और ये सर्वाइव कर जाए, ऐसा नहीं है। गर्मियों में स्पेशली मानसून का टाइम इनकी बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, वाटर लॉकिंग की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं। तो ये मैंने लिए हैं, कुछ पेंजी भी लिए हैं, ये आप देख सकते हैं येलो कलर में, ये सीडलिंग्स हैं। तो ये मेरी कुछ है, इसमें सीडलिंग्स तकरीबन 8-10 प्लांट होंगे इसमें, इस पॉट में। तो ये मैंने एक कलर का लिया है अभी फ़िलहाल, और भी मैं, मुझे अगर पसंद आए तो मैं साथ साथ लेता रहूँगा। फ़िलहाल मैंने ये पेंजी का ये लिया है, और उसके अलावा एंट्रीनियम, जिसको स्नैप ड्रैगन भी बोला जाता है, टॉग फ्लावर भी बोला जाता है, इसका, इसकी सीडलिंग्स का एक पॉट लिया है। काफ़ी सारी सीडलिंग्स लगी हुई हैं, खुद भी मैंने ग्रो करना आपको बताया हुआ, चैनल पे वीडियो भी है, सीडलिंग्स लगी हुई भी हैं, लेकिन जो मैं गया था नर्सरी तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा और भी इनको ले लिया जाए। अब कलर मुझे नहीं आइडिया कौन सा कलर होगा, बस रैंडमली मैं उठा के ले आया हूँ इनको। तो ये ड्वार्फ वैरायटी है, ये भी, ये तो होती टॉल वाली होती, स्टॉक के साथ ऊपर फ्लावर्स होते हैं, ये ड्वार्फ वाली है। तो इस तरीके से ये एंट्रीनियम हो गए। उसके अलावा ये वर्बीना के मैं दो प्लांट्स लेकर आया हूँ, एक पर्पल शेड में और एक थोड़ा सा ब्लूइश सा शेड है। तो ये दो पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं वर्बीना, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, और ऐसे भर के इनके ऊपर फ्लावरिंग होती है। अभी ये तो स्प्रेड होंगे, अभी तो ये बिल्कुल जो इनिशियल इमेच्योर सीडलिंग्स हैं, तो ये जब मैं पॉट में लगाऊंगा, थोड़ा सा इनका सीज़न आएगा, तो फिर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा डिस्प्ले होता है, बंचेस में खिलते हैं फ्लावर्स। तो ये मैंने दो प्लांट्स लिए हैं इसके, पॉली बैग में लगे हुए हैं छोटे टाइनी से। तो ये कुछ गजानियाँ हुए, पेंजी हो गए, और कुछ ये वर्बीना हो गए। और उसके अलावा जो मैंने लिए हैं पेटूनियाज़, कुछ लिए हैं पेटूनियाज़ भी, मैं आपको बताता हूँ, पेटूनियाज़ भी लिए हैं। पेटूनिया मैंने घर में ख़ुद भी ग्रो कर रखे हैं सीडलिंग्स, वो भी मैं किसी टाइम आपको शो करूँगा, लेकिन ये थोड़ी मैच्योर नर्सरी से मिल रहे थे प्लांट, तो इसलिए मैं अभी, क्योंकि जो मेरे पास सीडलिंग्स वो थोड़ी अभी छोटी हैं वो, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ अभी उस तरीके से नहीं हुई, तो ये ज़ाहिर है ये इन्होंने ग्रीन हाउस में लगाए होते हैं, और इस वजह से जल्दी इनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मुझे कलर्स अच्छे लगे, तो ये मैं लेकर आ गया। तो ये एक पिंक स्ट्राइप्स में है, पर्पल वाइट शेड में, और इसके बाद ये पिंक वाला आ गया, स्टार पेटूनिया के नाम से जाना जाता है इसको। तो ये भी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी सारी मैच्योर सीडलिंग्स है इसमें। सिंगल प्लांट भी मिल रहे थे, लेकिन मैंने प्रेफर यही किया कि सीडलिंग पॉट लिया जाए, ताकि इसमें थोड़े सस्ता भी होता है, इनएक्सपेंसिव भी होता है, और इसमें ये होता है काफ़ी सारी सीडलिंग्स आपको मिल जाती हैं। तो ये एक पिंक स्ट्राइप्स में लिया, एक पर्पल स्ट्राइप्स में लिया है,
और उसके अलावा ये एक ब्लू शेड में है, बड़ा खूबसूरत है ये। ये इसके आउटर मार्जिन जो है वाइट कलर का है और बेस इसकी ब्लूइश सी है, डार्क ब्लू कलर की, बहुत खूबसूरत है। तो ये भी पूरा भरा हुआ है एक सीडलिंग से, इनको मैं सेपरेट करके लगाऊंगा डिफरेंट पॉट्स में, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा किस तरीके से मैं इनको लगा रहा हूँ और उसके किस तरह से ये जब फ्लोरिंग करेंगे सही से भर के तो उस वक्त का रिजल्ट भी इनके साथ आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये तो होगी फ्लोरिंग प्लांट्स। इसके अलावा ये एक और है जिसको स्नो डेजी बोला जाता है, शास्ता डेजी भी बोला जाता है, बहुत खूबसूरत। ये भी बाहर के फूल आते हैं। ये भी इस दफ़ा मैं एक प्लांट लेकर आया हूँ, ये सारा एक प्लांट है, ये बहुत फैला हुआ है। तो मैं इसकी सीडलिंग्स चाह रहा था मिल जाती लेकिन सीडलिंग मुझे मिली नहीं, तो ये सिंगल प्लांट मिला है मुझे जो कि ऑलरेडी काफ़ी स्प्रेड हुआ हुआ है और इसके ऊपर बर्ड्स भी आ रही हैं। और नर्सरी से जब भी आप परचेसिंग करें कोशिश करें ऐसा प्लांट ख़रीदें जो कि बर्ड्स जिस पे ज़्यादा हो, ना कि फ्लावरिंग हुई भी ज़्यादा हो, क्योंकि जब फ्लावरिंग आप सिर्फ आइडिया लेने के लिए ले लें एक आध फूल खिला हो जिस पे तो वो वाला ले लें, अदरवाइज़ जिस पे ज़्यादा बर्ड्स हों वो वाला प्लांट आप ख़रीदें। तो ये शास्ता डेजी जिसको स्नो डेजी बोला जाता है, ये भी एक मैंने लिया है, एक पॉट है। ये मैं और भी लूँगा क्योंकि मुझे और भी प्लांट्स चाहिए इसके। और ये कि इनडोर मुझे अच्छा लगा प्लांट, एनिमस बोलते हैं इसको, ये वेरीगेटेड है, मेरे पास प्लेन कलर में पहले से मौजूद भी है एक, बहुत ही खूबसूरत ब्राइट लाइट पे ग्रो करने वाला प्लांट है, शेड लविंग प्लांट है, श्रब है ये बेसिकली। तो लीव्स होते हैं इसके वेरीगेटेड किस्म के, तो ये स्प्रेड होकर बहुत खूबसूरत लगता है। इसमें मेरे पास ग्रीन कलर का है, बिल्कुल प्लेन ग्रीन है वो, और जब न्यू लीव्स उसके निकलते हैं बिल्कुल लाइट येलो कलर के होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसको एनिमस बोलते हैं, श्रब होती है बेसिकली ये, तो एवरग्रीन क्या है। खोलिए हैं मैंने कुछ एरिका पाम जिसको गोल्डन कैन पाम भी बोला जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। दो पॉट्स लिए हैं मैंने इसके, ये एरिका पाम के ऑलरेडी हैं मेरे पास लेकिन मुझे और भी चाहिए थे, अच्छे लगते हैं इंडोर या शेडेड एरिया में, तो ये मैंने दो प्लांट्स लिए हैं एरिका पाम के। तो इनको मैं इकट्ठा एक ही पॉट में लगाऊंगा, बड़े किसी पॉट में दोनों को, क्योंकि सिंगल सिंगल स्टेम वाले हैं तो थोड़ा स्लो ग्रोइंग होती हैं इनकी स्पीड, ज़्यादा जल्दी बड़े भी नहीं होते, तो इसलिए मैंने इनको दो को एक ही पॉट में बड़े सारे में बाद में लगाऊंगा। तो इस तरीके से ये मेरी आज की कुछ लोकल नर्सरी से शॉपिंग है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नर्सरी विज़िट जब करूँगा तो नर्सरी की भी आपको साथ शेयर करूँगा वीडियो, तो किस तरह से वहाँ पे प्लांट्स आए हुए हैं और कौन कौन से सब प्लांट्स नर्सरी पे अवेलेबल हैं हमारे यहाँ लोकल नर्सरीज पे। तो अभी आपके साथ उनकी अपडेट भी शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लांट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।